कल से आगाज़ होने वाला है दूसरे टेस्ट मैच का भारत बनाम वेस्ट इंडीज़, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की टीम पूरी तरह से उत्तेजित है, उत्साहित है इस मैच के लिए और कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। अगर आप देखें तो पूरी तरह से अगर कहा जाए झोंकने के लिए पसीना जारी है और सारे के सारे खिलाड़ी एक साथ एकजुट दिख रहे हैं, जो कि भारतीय दल में ऐसा देखने में नहीं आया। और जिस खिलाड़ी का मन किया उसने पुशअप्स किए, जिसका मन किया उसने स्ट्रेचिंग की, कोच का बहुत ज़्यादा रोल नहीं दिखा। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज़ का देखेंगे ना दल, तो कोचेस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, चाहे वो गैब्रियल हों, देवेंद्र बिशु हों या फिर बाकी खिलाड़ी हों, एक के बाद एक पूरा अभ्यास करते हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात जग जाहिर की कि भला ही भारत नंबर एक की साइड होगी, लेकिन जो इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ वेस्ट इंडीज़ की टीम ने किया वो भारत में अगर दोहरा दिया जाए तो अतिशयोक्ति होनी नहीं चाहिए। बहरहाल प्रैक्टिस देख करके वेस्ट इंडीज़ टीम का ये साफ कहा जा सकता है कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और दे आर फाइटिंग इट हार्ड टू गिव इंडिया अ टफ चैलेंज फ्रॉम हियर इन हैदराबाद।